का मैं हूँ मुस्कान और आप देखते हैं लाइव विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ ओस्ट्रे की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ईजी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो बहुत ईजी है, अगर आपने मैंने आपको आप लोगों को ओस्ट्रे साफ करने का तरीका भी बताया। अगर आपने नहीं देखा, नहीं आपको जांच, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, आप विजिट करें, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी तरह की रेसिपी मिलेंगी। आप वहाँ जाके ये भी रेसिपी सर्च करके देख सकते हैं। तो एक किलो हमारे पास ओस्ट्रे थी, उसमें मैंने दो गिलास पानी के डाल दिए, ठीक है। और एक बड़ी साइज की प्याज इसमें डाल देंगे, कटी हुई बड़ी साइज, चाहे बड़े बड़े साइज। एक बड़ी साइज की टमाटर और दो मैंने लौंग लिए, दो दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, और एक नींबू है, इनको मैंने दो स्लाइस में काट लिए। अगर आपके पास बढ़िया इलायची ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, अगर नींबू नहीं तो आप बढ़िया इलायची डाल देंगे। हम इसमें डाल देंगे और इसे कवर करके हम 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। ये मैंने अन काट दी है और इसे हम 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट। देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं, 15 से भी तकरीबन हमारे 20-25 मिनट लग गए हैं इसमें। तो पानी भी हमारा खुश्क हो गया था। एक दफ़ा इसमें मैंने 1 लीटर और पानी ऐड किया, क्योंकि हमारी ये जो ओस्ट्रे थी अभी अच्छे से पकी नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये पानी तो हमारा खुश्क हो गया, तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे, हमने डाल दिए। अब साथ ही हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे, पेस्ट अदरक का। तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इन सब चीज़ों की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपने नहीं अभी तक देखी तो आप मेरे चैनल पर जाएं और आप देख सकते हैं, मैंने इन तीनों चीज़ों के पेस्ट बना के आपको दिखाए हैं, ताकि आप इसे कव सेव कर सकें। चलिए अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया, 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च, 1 चुटकी मैंने हल्दी ली, 1 चुटकी मैंने काली मिर्च कर लिया ज़्यादा नहीं, और गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून लिया। अब हम सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारे ओस्ट्रे जबरदस्त तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। ये वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, हम बता ही नहीं सकते आपको। आप जो लोग नहीं खाते वो इसी तरह बनाएं तो वो रोज खाने पर मजबूर हो गए, इतनी जबरदस्त आ गई है। तो हमारी अच्छे से भून लिया, हम क्या करेंगे, फ्लेम बंद कर दें। फ्लेम हमने बंद कर दिया, खूबसूरत सा धनिया, ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हरियाली हरियाली और ग्रीन वाइट येलो येलो लग रहा है। बहुत ही अच्छी है रेसिपी, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ मेरे यूट्यूब चैनल लाने दो उस कॉल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।